तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वहां पर खींचतान चल रही है, उसी से ये जुड़ी बड़ी खबर। सरकार की राज्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने रिजाइन कर दिया है। अधिकारियों के रवैये से परेशान होकर रिजाइन दिया है राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने। एक बड़ा कदम उठाया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। सोनम के इस कदम से हड़कंप मच गया है। सोनम के मुताबिक चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार ने राज्य के जाने माने किन्नर चेहरे सोनम किन्नर को यूपी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया था। सोनम का पूरा नाम किन्नर सोनम चिश्ती है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो अब इस पद पर काम नहीं कर पाएंगे। कारी इतनी हावी है उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी। एसपी गोयल से मैं मिलने गई हूँ, कई बार मिलते नहीं हैं। जैसे यूनाइटेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने जा रही हूँ, उनका रवैया आप लोग खुद पता कर लीजिए। कई कई काम नहीं होते हैं, भ्रष्टाचारी इतनी मची हुई है। मेरा फंड आया है, कहाँ चले गया मुझे पता नहीं। तनख्वाह मुझे लेट दिया जाता है, और मैं इसका जो आवास का किराया है ये नहीं दिया गया। ऑफिस के मेरे कर्मचारी हटा लिए गए। तो ये सभी सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अवहेलना हो रहा है। तो मैं सोची ऐसे पद से मैं भी पद मुक्त रहूं और संगठन में कार्य करूं। 2027 हमारा लक्ष्य है और 27 के चुनाव में हम लोग जुट जाएं अभी से ही। तो इसलिए मैं संगठन में काम करने का मन बनाया। हम सभी जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। मैं ज्यादा कुछ इस पे बयान देना नहीं चाहूंगी, और जब लोग तैयार हैं, जनता तैयार है, तो मैं समझती हूँ कुछ भी संभव है। ये वहाँ अभी और इस्तीफे देंगे, ये तो शुरुआत है। वहाँ किसी की कोई नहीं सुन रहा है, और बीजेपी के लोग जब से परिणाम उत्तर प्रदेश में आया लोकसभा का चुनाव का, तब से लगातार घबरा गए हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। उनका आंतरिक मामला है, उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया लाओ सरकार बनाओ।